अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल विच इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। होप सो आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और लेक्चर समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का टॉपिक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से है, तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसका काम क्या है, ये किस लिए होता है, ये कैसा ऑर्गेनेल है जो सेल में होता है और इसका काम क्या है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर जिसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, सिर्फ ये यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। ठीक है, एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मेनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, सिंगुलर क्रिस्टा इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इन फोल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे उसमें फोल्डिंग होते हैं। ठीक है, और उस फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और सिंगुलर क्रिस्टा है। ठीक है, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन कैन टेक प्लेस, फिगर 4.13। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टी है इसका काम क्या है कि ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को इनर मेम्ब्रेन में, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन जो है हो रहा होता है। फिगर 4.13 में हम देख लेते हैं, लेबलिंग हुई हुई है कि मैट्रिक्स कहाँ है, क्रिस्टी कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ है, आउटर मेम्ब्रेन कहाँ है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेबलिंग हुई हुई है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने पास उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, जो राइबोसोम्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो कैसे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं। ठीक है, बजाय इसके मतलब कि यूकैरियोटिक राइबोसोम से नहीं मिलते बल्कि बैक्टीरियल राइबोसोम से मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।